वेलकम जी, डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी बराड़। सर, साढ़े अपने ही ने अपने मैं इस करके कह रहे हैं कि डॉक्टर एच एस बराड़ जी ने 1981 दे विच इस संस्था को ज्वाइन किया और 1981 तो लैके 2017 तक सर ने इस कॉलेज दे विच ही बिताए। 81 तो लैके 2006 तक सर ने बतौर प्रोफेसर काम किया और 2006 तो लैके 2017 तक बतौर प्रिंसिपल काम किया। जे देखा जाए तो घट्टो घट जे 225 विद्यार्थी एक साल दे विच बीएड करते ने एमएड करते ने तो सर ने एक दिन आप ही हिसाब किताब लाया सीगा कि 10,000 के करीब विद्यार्थी सर दे टीचर ते टीचर एजुकेटर बन चुके ने। अगर डॉक्टर एच एस बराड़ जी की गल करा तो मेरा ख्याल इन्ने अच्छे टीचर तुहानू बहुत घट मिलणगे। सर इज वेरी क्रिएटिव, वेरी फलैक्सीबल और सर की क्लास लाउण दे विच बड़ा मजा आउंदा सी। पता ही नहीं सी लगदा कि सर कदों पढ़ा गए। कई बार विद्यार्थियों का होंदा सीगा कि अज साडा पढ़न दा मूड नहीं हैगा, लेकिन सर इन्ने सोहने ढंग नाल गल्लां बातां दे विच ही पढ़ा जांदे सी कि पता ही नहीं लगदा वी सर तां अपनी क्लास भी लै गए। और इहदे नाल नाल एक अच्छे टीचर होण दे नाल नाल सर कोल बड़ियां अच्छियां एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी ने और इन्हां दी रहनुमाई दे विच दो बार कॉलेज नूं नैक वल्लियों ए ग्रेड प्राप्त हो चुकिया। और जे आपां गल करिए कि अच्छे अध्यापक की यही निशानी होंदी आ कि जिस तरह अज कल सर नूं फोन कीता सी, एक अध्यापक फोन करे तो विद्यार्थी अपनी जिम्मेवारी समझदा कि हाँ सर गाइड ने मैनूं ये काम अलॉट किया, टीचर ने काम अलॉट किया। पर फस्ट टाइम होया कि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर तुसीं कल नूं अपने विद्यार्थियों नाल रूबरू होयो ते अपने विचार दस्यो, ते सर ने मना नहीं किया। सर कहिंदे बिल्कुल जदों तुसीं कहोगे जिन्ने वजे कहोगे मैं हाजिर होवांगा। और सर आप चल के कॉलेज पहुंचे। सर एक बार इस प्लेटफॉर्म से जियो आया, जियो आया। मैं दस देना चाहना सर कि यह जिहड़ा प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर स्किल एनहांसमेंट, यह अपनी कॉलेज की अलूमनी एसोसीएशन वालों, अलूमनी एसोसीएशन जी एच जी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरसर सुधार रजिस्टर्ड बॉडी वालों 15 मार्च तो 29 मार्च तक लगाया जा रहा। और ये जो बी एड के आप करीकुलम की गल करिए 16 हफ्ते का जो करीकुलम जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उस दे विच 2 हफ्ते विद्यार्थियों ने अपने पेरेंट कॉलेज के प्री प्रैक्टिस दे लगाने होंगे जी। और प्री प्रैक्टिस का फेज हुण चल रहा जिहदे च ये माइक्रो लैसन बनाने सीख रहे हैं, मैक्रो लैसन बनाने सीख रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टड लैसन प्लैनस बनाने सीख रहे हैं, मॉडल बेस्ड इस तरह होर बहुत सारा कुछ सीख रहे हैं विद्यार्थी। और इस फेज के अपनी अलूमनी एसोसीएशन ने एफर्ट्स किए अलोंग विद जी एच जी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरसर सुधार के जो ये विद्यार्थी स्कूलों के जा रहे हैं दे द प्यूपल टीचर्स ऑफ सेमेस्टर 4th दे आर जस्ट रेडी टू गो फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम। और स्कूलों के जाने तो पहला विद्यार्थियों बड़ी तरह की हिचकचाहट होंगी, नहीं पता होंगे कि क्लास किदा की मिलनी आ, किस तरह क्लास में डील करना। और बच्चों का सुपना होंगे कि एक अच्छे टीचर बनिए, तो मैनू लगता थोड़े तो अच्छा कोई भी एक्सपर्ट नहीं होएगा जिन्हों का घट्टो घट 35-36 साल का तजर्बा स्कूलों के कॉलेजों के एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो। और तुसी एक अच्छी जी टीचिंग हैगी इफेक्टिव टीचिंग आ उहदे कुछ क टिप्स जिहड़े ने तुसी साडे विद्यार्थियों नाल जरूर शेयर करोगे। एक बार फिर तो मैं ज़्यादा टाइम ना लैंदा होया डॉक्टर एच एस बराड़ जी मोस्ट वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्राम फॉर स्किल एनहांसमेंट। वेलकम सर, ओवर टू यू। मैं सर अपनी प्रेजेंटेशन स्टॉप कर लगा, इस तों बाद तुसी अपनी प्रेजेंटेशन जिहड़ी आ उह शेयर कर देना। इट्स ऑन। थैंक यू प्रोफेसर रशपाल सिंह जी, तुसी मेरे बारे कुछ ज़्यादा ही बता चढ़ा के दसता।
नहीं सर, एक भी शब्द वध नहीं दस्या जी। आप सारे टीचर हैं और बीइंग ए टीचर मैं अपने छोटे भैन भरावान जिन्हों ने टीचिंग प्रैक्टिस अपनी शुरू करनी है, इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करना है, उसके बारे अज कुछ सिर्फ कुछ टीच टिप्स दसागा, उन्होंने शेयर करांगा जो मैं लगता है कि जेडे एक अच्छे टीचर बनने वास्ते जरूरी ने, जिहड़ियां जरूरी गल्लां जिहड़ियां मन दे विच रखनियां चाहीदियां, प्रैक्टिस लियाउणियां चाहीदियां। मैं अज इफेक्टिव टीचर की गल तो नहीं करांगा, मैं अज गुड टीचर की गल करांगा, क्योंकि इफेक्टिव टीचर है जिहड़ा वह बन च थोड़ा जिहा तुहानूं होर एक्सपीरियंस की लोड़ पएगी। जदों तुसीं कुछ टाइम एक्चुअल टीचिंग दे विच ला लैंदे हो तां उदों असीं इफेक्टिव टीचरस बन जांदे आ। सो लैट अस बी गुड टीचरस। मैं इसे करके जिहड़ी पहली मेरी स्लाइड है, मैं सब तो पहला तो मैं तुम सारा वेलकम करना, सारे स्टूडेंट टीचरस जी एच ई खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरसर सरदार दे। मैनू बड़ी खुशी है कि तुसी इस कॉलेज दे विच एडमिशन ली है और ठीक है, और एक बहुत पुराना कॉलेज है एरिया दा, जिसने हजारों की गिनती दे विच जिहड़े टीचरस ने जिहड़े हुण स्कूलों कॉलेजों के पढ़ा रहे ने अपने कंट्री च नहीं बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ईवन यूएसए दे विच, यूके विच, कनेडा विच और आस्ट्रेलिया विच, ईवन न्यूजीलैंड भी, जिन्हां दे नाल मैं वो कई बार फोन करते हैं जां इन टच रहिंदे ने जां मिल के जाते हैं। बड़ी खुशी हुंदी है जदों दसदे ने कि असीं इस कॉलेज के पुराने विद्यार्थी हाँ। सो लैट अस स्टार्ट विद दी प्रेजेंटेशन के ए गुड टीचर इज ए फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर। ये गल साडा माटो है, एक ये माटो है साडा कि गुड टीचर की है, ही इज़ ए फ्रेंड, ही इज़ ए गाइड एंड फिलोसफर। ये जरूरी है कि वो विजडम होवे, विचार होवे, वो गाइड कर सके अपने स्टूडेंट्स नू, अपने पीयर्स नू, और उन्होंने नाल उहदा रिलेशन है जिहड़ा वो फ्रेंडली होवे, ना कि एक अथॉरिटेटिव अफसर वाला, वो नहीं चाहिए, जस्ट लाइक ए फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर। सो आप पहली गल स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा ये मान के चलिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। साड़ी टीचिंग दे नाल जदों असीं क्लास में जाने हैं, स्कूल में जाने हैं, बच्चों को पढ़ाने हैं, तो मन दे विच ये आस लेके जाइए कि बहुत अच्छा होएगा, असीं कुछ ना कुछ अच्छा बच्चों को दे के आवांगे। और ये जिहड़ी होप है ये बहुत जरूरी है बच्चों को देना, क्योंकि साढ़े समाज दे विच नैगेटिव गल्लां बहुत ने, नैगेटिव सिचुएशनस ने, हालात नैगेटिव ने, कई बार बड़े विपरीत हालात होंगे ने, पर उन्हां हालातों दे विच वी एक टीचर होया जिहड़ा हमेशा एक पॉजिटिव साइड लैके चलता है, कहेगा नहीं ये गुजर जाएगा, अच्छा होएगा, होर अच्छा होएगा, असी होर अच्छा बनना है। जदों तुसीं क्लास दे विच जाना है तां उहदे लई किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना है? सब तो पहली गल सानूं पता होना चाहिए है कि किहड़ी क्लास है जिहदे विच असीं जाना है, नेचर ऑफ क्लास, किस एज दे बच्चों असीं पढ़ाउणा है, किहड़ा सबजैक्ट पढ़ाउणा है, किहड़ा टॉपिक पढ़ाउणा है, बच्चों की बैकग्राउंड की है, यानी वह पेंडू एरिए ने, इंडस्ट्री विचों आ रहे ने, वो कोई सिटी एरिए दे विच ने, किस लैवल दे ने, सोशियो बैकग्राउंड उन्हां दी की है, किस मीडियम दे ने, और ये जानने लई सब तो पहला सानू उत्थों दा जिहड़ा टीचर है, सबजैक्ट टीचर जिहड़ा वो क्लास लै रहा है, क्लास इंचार्ज है जां सबजैक्ट इंचार्ज है, उन्हूं मिलना बहुत जरूरी है। जिहड़ियां कुछ जिहड़ियां बैकग्राउंड और सानू दस सकदा है, और सैट इंडक्शन। सैट इंडक्शन की हुंदा है कि क्लास नू सैट करना, जिवें एक स्टेज दे उत्ते ड्रामा प्ले करन तों पहलां एक स्टेज नू सैट कीता जांदा है कि की उत्थे बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, कि उत्थे कोई हैंग करन वास्ते कोई तुहानू साधन है जिहदे तुसीं मैप, चार्ट टंग सकोगे,
स्टूडेंट्स किमें बैठे ने, राउंड बैठे ने, बेंचां ते बैठे ने, थले टाट ते बैठे ने, रूम के हो जाए हुण तां पुछी ना दूसरी गल बेटा अपनी लैसन प्लान है जड़ी ओदी जरूर तैयारी करो पहला एक दिन पहला तैयारी जरूर शुरू करो शाम नू बैठ के लैसन जड़ा तुसी पढ़ाना है नैक्सट डे ओदी तैयारी करो उन्हों चंगी तरह ओदे टीचिंग पॉइंट्स कढ़ो कि कड़े कड़े मेन कॉन्सैप्ट ने देखो कदे भी पूरा चैप्टर ज पूरी ए टू जैड सारी नॉलेज देने की लोड़ नहीं होंगी जेडे मेन कॉन्सैप्ट ने मेजर ने मुख गल ने कुछ स्टूडेंट्स ते भी छड़ दो कि वो अपने आप वो करे तो मेजर जो कॉन्सैप्ट ने विद एग्जाम्पल्स सूटेबल एग्जाम्पल्स वो तुम जरूर उन्होंने पिक करो उन्होंने लिखो नोट्स बनाओ और जो सूटेबल कोई टीचिंग मटीरियल चाहिए वो जरूर अपना तैयार करो और जो टीचिंग मटीरियल है तुसी टीचिंग पॉइंट या जो भी कुछ लैके जा रहे हो क्लास के इट शुड बी ऑर्गेनाइज उन्होंने सीकुएंस विच कर लो ये ना हो क्लास के जाके थोड़ा टाइम वेस्ट हो तुहानू वो स्लाइड ही ना मिले जी तुसी तैयार करके लैके गए सी जां अगे पिछे हो जाए उस तरह अरेंज कर लो जिस ऑर्डर के लैसन देना है पढ़ाना है भावें वह मैथ का है साइंस का है सोशल साइंस का है लैंग्वेज का है कुछ भी है उन्होंने मटीरियल पूरी प्रॉपरली अरेंज कर लो एंड थोड़ा जा होर ये प्रैक्टिस करो कि थोड़ी लैंग्वेज जो थोड़ी भाषा भावें तुसी हिंदी पंजाबी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो उन्हों थोड़ा शुद्ध बोलो उच्ची बोलो एंड बी स्ट्रोंग कम्यूनीकेटर समझ आनी चाहिए है थोड़ी भाषा की तुसी की कह रहे हो तो जे थोड़ी कम्यूनीकेशन स्ट्रोंग हो गई और वधिया हो गई तो यदा मतलब तुसी एक गुड टीचर बन सकते हो तो ये जरूरी है ये प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए है भावें तुसी घर बैठ के शीशे के सामने बोलो किसी के सामने बोलो बोलो छोटा जा ग्रुप क्रिएट करके या पीयर्स फ्रेंड्स ने उन्होंने कहो मैं दो मिनट नहीं तुसी ना बोलियो मैं तुहानू कोई गल बोल के सुनानी है मैनू देखो कि मैं किवें लगदा क्योंकि तुहाडे जिहड़े फेशियल एक्सप्रैशन ने वो बहुत जरूरी ने वो जो जी लैंग्वेज तुसी बोल रहे हो जिहड़ी भाषा जिहड़ी गल कर रहे हो वो उहदे विच नज़र आनी चाहिए है और तुहाडा चेहरा भी उहदे नाल नाल उस तरह का ही होवे और नैक्सट पॉइंट है कि अवॉइड्स असर्टिंग अथॉरिटी नवे नवे टीचर जिहड़े लगते हैं आम तौर पर कई बार थोड़े जो कन्फ्यूज हो जाते क्लास के आके कि उन्होंने रोल की है देखो टीचर एक क्लास के लीडर होंगे पर वो लीडर अथॉरिटेटिव लीडर नहीं होंगे वो कोई मिलटरी ऑफिसर नहीं है कि वह कमांड देनी शुरू कर दे इधर आओ बैठो सीधे कहो ये हो नहीं ये गल्लां बीइंग टीचर नहीं सानू करनिया चाहिए प्यार दे नाल बड़े फ्लैक्सीबल होके आपू विचरना चाहिए वो सो अपनी अथॉरिटी असर्ट ना करो हाले तुम बिगनर हो हाले तुसी अपनी जिहड़ा करियर है उन्हें शुरू करना है और दूसरी तीसरी गल जिहड़ी लास्ट गल इहदे विच मैं करनी चाहुंदा है कि अवॉयड परसनल टाक अपनी लाइफ बारे अपनी जिंदगी बारे अपने बैकग्राउंड बारे अपनियां चंगियां माड़ियां घटनावां बारे उन्हों क्लास दे विच जिक्र ना करो बच्चों के नाल ये चंगा होएगा हाँ जे कोई पॉजिटिव गल है किसी होर दी किसी ग्रेट मैन दी तो जरूर शेयर करो उस दे विच एसेंशियल्स ऑफ टीचिंग हुण आपां गल करदे हैं कि क्लास दे विच जो तुसीं जा रहे हो क्लास एंटर कर रहे हो वैसे तो अजकल हुण तुसीं ऑनलाइन क्लासेस भी लै रहे हो पर ये ऑनलाइन बहुता टाइम नहीं चलना गा तुसीं ऑफलाइन भी जाओगे क्लासां दे विच भी जाओगे एक्चुअल क्लासरूम दे विच भी जाओगे तो मैं गल उस एक्चुअल क्लासरूम की गल कर रहा इत्थे एंटर द क्लास विद ए स्माइल एंड ग्रीटिंग्स हमेशा ही शुरू च जाके थोड़ी समाइल बच्चे नूं जरूर दिओ तुहाडे चेहरे दे उत्ते समाइल होवे ना कि गुस्सा जां कोई होर इस तरह दे भाव हो सारी क्लास नूं एक बारी देखो चंगी तरह नाल एक दो पल जरूर इस गल ते लाओ ग्रीटिंग्स यानी उन्हां नूं गुड मॉर्निंग जां किसे तरह दा कोई दिन त्यौहार है उहदियां वधाइयां देणियां कुछ इस तरह दा जरूर उहदे च करो और तुहाडी जिहड़ी ड्रैस है
देखो थोड़ी परसनैलिटी थोड़ी ड्रेस तो झलकती है, ये बहुत जरूरी चीज़ है। साढ़े कंट्री के लोग बहुत सारे इस गल की खुल लै जाते हैं, ना प्रोपर ड्रैस के आते हैं, और इस तरह लगता कई बार जिमें कोई विआह शादी में आए हो, किसी कोई ड्रामा पार्टी के आए हो, पता नहीं कोई फैशन शो आए हो, और कई बार कई लोग जो बड़े केयरलैस भी होंगे ध्यान ही नहीं देंगे गे, साफ सुथरे कपड़े पाने, प्रोपर ड्रैस पानी, तुसी टीचर टाइप जरूर लगो कि हाँ वाकई ये टीचर है। ईवन USA दे विच भी उते हाफ शर्ट अलाउड नहीं है टीचरस नू, फुल बाजू का जिहड़ा वो टीचरस पाउंदे ने ईवन विद कॉलरस। सो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखना चाहिए। यूज सम क्रिएटिव आइडियाज़ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जो तुम लैसन शुरू करना है क्लास के पढ़ा शुरू करना, भावें तुम ऑनलाइन करा रहे हो, ये कोई ना कोई अच्छे अट्रैक्टिव जे आइडियाज़ भावें विजुअल हो, कोई डायग्राम हो, तुम उतो शुरू कर सकते हो ताकि एकदम कैची हो और स्टूडेंट्स थोड़े वाले एकदम वो देखण उसनों, उन्होंने ध्यान एकदम थोड़े वाल आ जाए, थोड़े टॉपिक वाल आ जाए और सोचना शुरू कर देने कि यह की चीज़ है, अज असं कहदे बारे पढ़ रहे हैं। सो ये जरूरी है कि असी दो चार गल्लां उस टॉपिक बारे कि असी पढ़ना है, ये की होएगा, मेन पॉइंट्स की ने, जस्ट थोड़े जे शब्दों के वो जरूर कर लेना चाहिए। और जो असी क्लास के होंगे बेटा एक्चुअल क्लास के जे टीचर बैठ के पढ़ाएगा तो वह पैसे हो जाएगा और वो इफेक्टिवनैस नहीं रहेगी। सो उसू एक्टिव होने वास्ते जरूरी है कि वह क्लास के थोड़ा तुरे फिरे, गल्लां बातें करे और कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करता रहे, एक्टिव रहे। तो यह जरूरी है कि जे टीचर एक्टिव रहेगा तो स्टूडेंट्स भी एक्टिव रहेंगे और टीचर की निगाह भी रहेगी सारी क्लास के उत्ते, और जिहड़ी बोली है तुहाडी, सो टीचर नू थोड़ा जिहा ऑडिबल होना चाहिए, उहदी समझ आउणी चाहीदी है। पर यह नहीं कि लगातार स्पीड नाल तुसीं बोलदे रहो, यह तुहानू प्रैक्टिस करनी पएगी कि तुसीं किन्नी क स्पीड दे नाल बोल रहे हो, जां उहनू रिकॉर्ड कर लो अपनी किवें कोई लैसन नू, और उहदा तुसीं विच पॉज़ देना जरूरी है, रुकना जरूरी है, और वॉइस मॉड्यूलेशन जिहड़ी वेरिएशन है वो जरूर लियो अपनी, यह भी तुहानू प्रैक्टिस दे नाल आ जाएगी, कित्थे उच्ची होना है कित्थे हौली होना है, खास तौर पर जिथे तुसीं ड्रामा पढ़ा रहे हो, कोई चीज़ ऐसी पढ़ा रहे हो जिहदे विच तुसीं किसी चीज़ पर स्ट्रैस देना है, तो वह जी भाषा वह जी तुहाडी टोन है जिहड़ी होनी चाहिए, वह चेंज होनी चाहिए, तुहाडी बॉडी लैंग्वेज भी वह जी होनी चाहिए है। ये नहीं जिवें तुसीं कह रहे हो कि अर्थ गोल है तो असीं कह दिंदे हाथ दे नाल कि असीं इट्स अराउंड, तो ये बहुत जरूरी है जेस्चर्स जिहड़े ने उहनां दे नाल देने। सो इस नूं एक अपनी लैंग्वेज दे नाल, अपनी टोन दे नाल और अपनी बॉडी लैंग्वेज दे नाल इहनूं एक ट्यून अप करो, और स्टूडेंट्स नूं भी बोलण दा टाइम दिओ, ये नहीं कि तुसीं 100% तुसीं ही टॉक करनी है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे टीचर्स नूं आदत बन जाती है वो दूजे की गल ही नहीं सुनते, वो आप ही बोली जाते हैं, घर में भी बोली जाते हैं, आंढ़ गुआंढ़ भी जो गल सुनाते हैं तो तुम देखते हो कि वह हमेशा ही बोली जाते हैं, बच्चों ना बोली जाते हैं, वाइफ ना बोली जाते हैं। सो ये जरूरी है बेटा कि दूजे नूं भी सुनना, और क्लास के रिसर्च तो सिद्ध होया है कि स्टूडेंट टीचर नूं तो 70% उसका टाइम लेना चाहिए है, और स्टूडेंट्स नूं 30% जिहड़ा टाइम है वह देना चाहिए, वो भी कोई रिस्पोंस देवे, बोले, कहे, भावें गलती होवे, ये जरूरी नहीं है कि गलत ठीक तो असी निर्णय उस वेले करना, पर उन टाइम जरूर ये आदत पएगी, बच्चों नाल इंटरैक्टिव टाप तो हो जाएगी, और ना दी नाल कुछ ना कुछ विजुअल जिहड़े ने वो जरूर दिखाओ, भावें वह बोर्ड पर होन, भावें कोई वह चार्ट होन, कोई डायग्राम होवे, कोई PPT होवे, तुसीं जूम पर भी बहुत सारिया चीज़ा दिखा सकते हो, बुक दिखा रहे हो किसी तरीके होर कोई तुहाडे कंप्यूटर दे विच कोई चीज़ है वो तुसीं डाउनलोड करो, अजकल गूगल के उत्ते बहुत कुछ बड़ी अच्छी अच्छी डायग्राम्स ने हर टॉपिक दियाँ, वो तुसीं सेव करके रखो, स्क्रीनशॉट लो, वो तुसीं दिखा सकते हो ना दी नाल, सो तुहाडी टीचिंग है जिहड़ी वो अच्छी हो जाए।
चेंज यूअर परसपैक्टिव। हुण मैं तुहाडे नाल स्क्रीन शेयर इसलिए कर रहा कि तुहानू ना दी नाल जिहड़ा एक विजुअल ते रीडिंग है जिहड़ी वह मिल सके। असीं हमेशा ही अपनी अखां दे नाल दुनिया देखते हैं, असीं अपने नज़रिए तो दुनिया देखते हैं, अपने ढंग नाल देखते हैं, असीं अपनी सियाणप दे नाल उहदा मीनिंग कढ़दे हैं। पर जरूरी नहीं है कि जिहड़ा अगला भी है, बच्चे भी है, क्लास वाले भी है, उस तरह ही सोचते हो जिवें तुसीं सोचते हो। दे थिंक डिफरेंटली। सो इस चीज़ का ख्याल रखो और उन्होंने तुहाडे नाल मुतफिक होना जरूरी नहीं है हर पॉइंट पर कि हाँ जिवें तुसीं कह रहे हो उस तरह मान लैण। सो इस करके तुहानू यू शुड शो एम्पथी। एम्पथी मतलब कि तुसीं असी उस बच्चे की जगह पर जाके सोच गए कि वह किमें सोच रहा है या वह किमें महसूस कर रहा है, उहदियां इमोशनस की ने, उहदियां फीलिंग्स की ने। सो उन्हां दे परसैप्शन तो देखना सो ये बहुत जरूरी है। जिहड़ा इस चीज़ नूं अंडरसटैंड कर गया तां असी अपने बच्चों अंडरसटैंड कर गए। कहिंदे ना लर्नर नूं अंडरसटैंड करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एंड मेनटेन प्रोफेसनल बाउंड्रीज। बड़िया इनडिसिपलिन दीआं प्रॉब्लम्स आ रही ने स्कूलों के, असी उठते तो बचना है। देखो बच्चे तो बच्चे ने, अडोलीसेंट ने, हाले यंग ने, उन्हां च अजे विजडम नहीं आई, मैच्योरिटी नहीं आई, वो बहुत सारा लै जाते हैं। तो टीचर नूं एक रिस्पैक्टेबल डिस्टेंस है जिहड़ा वो जरूर मेनटेन करना चाहिए है। और इन्ना नहीं पता नेड़े बच्चों के जाना कि वो तुहानू जस्ट लाइक जिवें कहिंदे हुंदे वी साडा आड़ी आ गया, साडी फ्रेंड आ गई, साडी ये जिहड़ी एज दे मुताबिक ही वो कई वारी समझना शुरू कर दिंदे। अपना एक रिस्पैक्ट बना के रखो, एक रिस्पैक्टेबल डिस्टेंस है जिहड़ा वो बहुत जरूरी है। और खास तौर पर जो तुसीं व्हेन यू आर डीलिंग विद द अपोजिट सैक्स, गर्ल्स बॉयज जिहड़े ने टीचर, मेल टीचर फीमेल्स की क्लास के ने, फीमेल जीडिया ने वो मेल क्लास के ने, और इस चीज़ का जरूर इन ख्याल रखना चाहिए क्लास से भी आउटसाइड की क्लास भी। ना मैं ये गल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम कह रहा है कि स्टॉप कंपेयरिंग। पेरेंट्स भी बहुत सारी गलती करते हैं और टीचर्स भी करते हैं। क्लास के जदों भी पढ़ा रहे हैं, जदों भी असैसमेंट कर रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सुशीट्स, तो ग्रेड पूछते हैं, नंबर पूछते हैं, तो कंपेरिजन करना शुरू कर देने। तो उस वेले असी क्लास के सारे सामने उन्होंने क्रिटिसाइज कर देना शुरू कर देने। कदे भी ग्रुप के सामने बच्चे क्रिटिसाइज ना करो, अवॉइड करो। जिहड़ी गल कहनी है उन्होंने बाद दे विच क्लास तो बाद जाके कह दो उसको। जरूरी है कि तुसी बच्चे नूं थोड़ी फ्रीडम दो और थोड़ी वो भी हैप्पीनैस अपना एंजॉय कर सके। यू शुड एक्सैप्ट द चाइल्ड्स वर्थ एज इट इज़, एज इट इज़। देखो सारे बच्चे इको जे नहीं है, सारे बच्चे इको जे नहीं है, ना उन्हां दा आईक्यू लैवल इको जिहा है, ना उन्हां दी परसनैलिटी इको जिही है, ना उन्हां दी लैंग्वेज इको जिही है, ना उन्हां दा अंडरसटैंडिंग लैवल इको जिहा है, ना उन्हां दी हैंडराइटिंग इको जिही है, ना वो काम करने की जिहड़ी कपैसिटी है। हर चीज़ अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसिस है, सानू वो एक्सैप्ट करने चाहिए है। मन के चलिए कि हाँ बच्चों जो बखरे बखरेवा होंगे, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता, कोई हौली हौली सीखता है, कई बार बार सीखने नाल भी फिर भी अद्धा क सीखता है या थोड़ा बहुत सीखता है। और सानू इस चीज़ का ख्याल जरूर रखना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन abilities, talents and limitations also. देखो abilities भी ने, talents भी अलग अलग है ने, और उन्होंने limitations भी ने, कमियाँ भी ने। तो इस चीज़ का ख्याल सानू पढ़ाने वेले जो बच्चों डील करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ये मन से जरूर जा ख्याल रखो। नाउ लर्निंग टेक सम टाइम टू कंसोलीडेट। लर्निंग यूं नहीं कि तुसीं कह दिता, बोल दिता तो बच्चा ने सुन लिया तो असीं उन्हूं कह दिए लो जी इन्हों लर्न हो गया। नहीं,
लर्निंग टेक सम टाइम। ये टाइम जिहड़ा हुण ये जरूरी नहीं है कि एक क्लास का ही टाइम होवे, घर जाके भी बच्चे नूं समझ लग सकदी है उस चीज़ की। उन्हूं जदों रिपीट करते हैं असीं, रिविजन करते हैं, कई बार उदों अंडरस्टैंडिंग हुंदी है, कई बार जदों लिखदा है उस चीज़ नूं असाइनमेंट दे विच, कई बार उदों समझ लगती है उस चीज़ नूं कि इहदा मीनिंग तां इह कंसैप्ट ही है। कई बार जदों असीं डिस्कस करते हैं क्लास के द्वारा, फिर कई बार उदों समझ लगती है। सो ये ना समझ लिया जाए कि जो असीं मूहों कह दिता तो वह बच्चे नूं समझ लग जाएगा जां लर्निंग हो जाएगी। इस कई बार असीं मन के चल जाते हैं कि हाँ जो असीं कहता ओके ये उन्हां नूं आ गया, नहीं। सो मैच यूर टीचिंग विद लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तुसीं थ्योरी दे कोर्स दे विच पढ़ चुके हो कि लर्निंग स्टाइल्स की होंदी है, किन्ने किस्मां दे होंदे है। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल आपो आपणा है। जिवें आपां हुण देखो, कुछ तो मेरी गल सुन के यानी अपने कन्नां दे नाल सुन के समझ रहे ने गल नूं, कुछ लोगों नूं समझ आ रही है स्क्रीन ते देख के पढ़ के सामने, क्या विजुअल है, यानी कईआं दी विजुअल लर्निंग हो रही है, कईआं दी ऑडिटरी लर्निंग हो रही है, और कईआं नूं कोई चीज़ करके जां लिख के फिर समझ पएगी। सो असी मैच करना अपनी टीचिंग नूं लर्निंग स्टाइल दे नाल, और जिस दिन असी इस गल नूं मैच करन दे विच कामयाब हो गए असी बड़े अच्छे टीचर बन गए। एंड सैट क्लीयर एंड फेयर एक्सपैक्टेशंस। एक्सपैक्टेशंस मीनस गोल, ऑब्जेक्टिवस, जिहड़े साढ़े पढ़ाउण दे ऑब्जेक्टिवस ने बड़े क्लीयर होने चाहिए। उन्हें वेग ना रखो, तुसीं पहले ही कुछ जिहड़े आपां टीचिंग पॉइंट्स बनाए ने कि असी आह चीज़ां पढ़ाउणियां ने, उही तुहाडे सैट गोल्स बन जाणगे। लर्निंग आउटकम बन जाता है, लर्निंग आउटकम के पढ़ाउण तो बाद उहदा आउटकम यानी रिजल्ट की होएगा, की समझ आना चाहिए। आउट रिजल्ट का मतलब सिर्फ अंकड़े नहीं होंगे, पास परसेंटेज नहीं होंगे, असल दे विच लर्निंग होंगी है उन्हें समझ की आई है, कि वह अपने शब्दों के नाल कह सकता है। डेफिनेशन नहीं, असी डेफिनेशन नहीं रटाउणियां, असी समझ देनी है, अंडरस्टैंडिंग देनी है, ठीक है, बच्चा अपने शब्दों के विच उस कंसैप्ट नूं एक्सप्लेन कर सके, दस सके। जरूरी नहीं वो कंप्लीट ही दसे, जिन्ना भी दस सकता है, इहदा मतलब उन्हें कोई समझ उस चीज़ की हैगी है। और ये गोल साढ़े बड़े क्लीयर होने चाहिए और फेयर भी होने चाहिए है, ना बहुते हाई ना बहुते लो। असी अलग अलग भी रख सकते हैं, जिहड़े होशियार बच्चे ने उन्हां लई थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रख सकते हैं, स्लो ने उन्हां लई घट रख सकते हैं। सो इस तरह के जिहड़े गोल्स ने तुहाडे बहुत सोच समझ के रखने चाहिए है। एंड बी फेयर इन असैसमेंट। बुरे बच्चे जो तुम टैसट लेने, हाउस टैसट लेने, कोई असाइनमेंट देने, किसी ने तुम स्टार दे देने, किसी ने नहीं दिता, किसी ने दसा चो अठ नंबर दते, किसी ने छे देते, तो कई बार ये स्टूडेंट्स के मन के जाता है कि यह क्यों मैनू नंबर घट क्यों मिले। सो जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, उन्होंने दसना कि इतनी कितने कितने गलती कर ली, या किस चीज़ के पॉइंट कट्टे गए ने, या इन्ना लिखेगा तो तेरा ये हो जाएगा। सो जी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है वह बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो रही है, देखो इंडस्ट्री वाले कोई भी चीज़ बनाते हैं वो अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहते हैं, भावें वह टूथब्रश ही बनाते हैं, कोई उस सॉफ्ट बना देता है, कोई उसको हार्ड बना, कोई उन्होंने राउंड कर देता है, कोई ब्रश को टेढ़ा कर देता है, जी ये अंदर जाके हिसाब करेगा, देखो आपदे आपदे प्रोडक्ट को इंप्रूव करे। पर टीचर अपने स्टूडेंट्स की जी आंसर शीट है वो प्रोडक्ट है, वो समझ जी है वो स्टूडेंट्स को कितनी लगी है उसनों इंप्रूव करने की लोड़ है। जिते असी वो कामयाब हो गए कि हाँ असी इनू इंप्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो असी साड़ी मार्केटिंग वधिया हो जाएगी। तो ये जरूरी है। बी दे चेंज, चेंज लियाउण वास्ते जरूरी है कि यू शुड लव यूअर सबजैक्ट, अपना सबजैक्ट और अपना काम जिहड़ा असी उन्हूं प्यार करिए। जे असी टीचिंग प्रोफेशन दे विच आए हां तां असी इहनूं समझ के इहनूं लाइक करिए,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਵ ਯੂਅਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਟ ਯੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ, ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਫਨ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਦੀ ਟੋਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਗਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਟੂ ਚਾਈਲਡ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਛ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਂਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਵਰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਯੂ ਮਸਟ ਕੰਕਲੂਡ ਯੋਰ ਟਾਕ ਬਿਫੋਰ ਲਿਵਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ, ਪੇਸ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਬੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
असी पेरेंट्स से डिपेंडेंट सी, असी टीचर से डिपेंडेंट सी, पर हुण एक बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी तुहाडी तुहानूं मिल गई है बीइंग ए टीचर। तुसीं स्टूडेंट टीचर ही नहीं, तुसीं टीचर ही हो, तुहाडी टीचिंग जिहड़ा प्रोफेशन है वह शुरू हो चुकिया है। सो इस करके यू शुड असैस योर टीचिंग रैगूलरली। अपनी जिहड़ी टीचिंग है ये नहीं कि पढ़ा के आ गए हैं बस उस तो बाद ओके, नहीं, बैठ के सोचो कि अज जो मैं पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया, किहड़े किहड़े पॉइंट ते मैनूं लग्या कि इत्थे होर इंप्रूवमेंट की लोड़ है, जां इस पॉइंट नूं ऐवें भी कह सकदा सी, इस कंसैप्ट नूं असीं होर तरीके नाल भी कह सकदे सी, जां इहदे च आह चीज़ ऐड की जा सकती। उसे वेले नाल अपने नोट्स जिहड़े अपडेट करो उस चीज़ नूं, अपनी लैसन प्लैन नूं, ताकि नैक्सट टाइम जदों तुसीं वो टॉपिक लवो उहदे च वो तुसीं होर ज़्यादा वधिया ढंग दे नाल उहनूं कर सको। एक्सैप्ट एनी अडिशनल वर्क विद प्लेजर। आम तौर पर स्कूलों के खास तौर से साढ़े स्कूलों के टीचर्स जे टीचिंग तो अलावा कोई होर काम दे दिता जाता तो कई बार वो उन्होंने औखा लगता, कोई अडिशनल वर्क कोई भी किसी तरह का हो सकता, जिवें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, कोई ऑनलाइन वर्क हो गया, अजकल असाइनमेंट्स बहुत आ रही, एक्टिविटी बहुत आ रही, आउटसाइड ड्यूटीज भी आ रही, तो वी शुड एक्सैप्ट दैट इस ए पार्ट ही है साड़ी साड़ी जॉब का, कि असी जिहड़ा टीचिंग नाल रिलेटड जिहड़े होर काम ने, भावें कोकरू एक्टिविटीज़ ने कोई इंचार्ज या किसी चीज़, उन्होंने भी उहदे विच भी असी दिलचस्पी लई है। और अपने जिहड़े रिलेशन्स ने मेनटेन गुड रिलेशन विद पीयर्स, अपने साथियों के नाल अपने रिलेशन है जिहड़े वो अच्छे बना के रखो। असी किसी तरह की कोई ईरखा नहीं मन में रखनी, सारे ने आपको अपना काम करना, अपने पीरियड लाने ने, तो क्यों ना असी अच्छे फ्रेंड्स बनीए, और अपने टीचर्स के नाल, हैड्स के नाल, कम्यूनिटी नाल, जे पेरेंट्स आते हैं उन्होंने नाल भी अपने अच्छे रिलेशन जोड़े ने, अच्छी शब्दावली बोलोगे, अच्छी रिस्पैक्ट दोगे उन्होंने, तो वह भी तुम रिस्पैक्ट देंगे। ये सो म्यूचुअल है, ये बहुत जरूरी है। और ये जिहड़े मैं देखा कि बी एड के जिहड़े क्लास फेलो होंदे ने सारी उम्र वो फ्रेंड्स बनते हैं, ये मेरा अपना तजर्बा है कि वह अपने फ्रेंड्स नूं याद रखते हैं। बी टेक सावी एंड अपडेट विद लेटेस्ट ICT, जिन्ना भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है अपने आप नूं अपडेट करो, क्योंकि आ देखो हुण ऑनलाइन होने करके तुहानूं सारयां नूं जूम ते जाना पैंदा है, जां होर जिहड़ियां टेक्नीक्स ने यूज करनिया पैंदियां, जिन्हां भी कोई मार्केट दे विच चीज़ आ रही ने उन्हां तो डरो ना, घबराओ ना, उस चीज़ नूं यूज़ करो, कोई चीज़ खराब नहीं हुंदी गी। तुहाडी लैप अपना मोबाइल है, मोबाइल 'च बड़े फीचर ने, उन्हां नूं खोलो, देखो ये है की चीज़ है, असीं कित्थे यूज़ कर सकदी इस नूं। सो इस तरह ही लैपटॉप दे विच है, लैपटॉप दे विच जां तुसीं गूगल ते जाने होर भी अजकल बहुत सारिया जिहड़ियां ऐप्स ने वो तुसी उन्हां दा यूज़ कर सकते हो। सो अपनी रिस्पोंसीबिलिटी है जिहड़ी उस नूं होर वधाओ, बी रिस्पोंसीबल, और इहदे नाल तुहाडा जिहड़ा मैं अखीर दे उत्ते तुहानूं सारयां नूं बेस्ट विशेस दिंदा तुहाडी इंटर्नशिप प्रोग्राम दे लई। एक गल अखीर ते मैं यही कहना चाहुंदा कि तुसी साडे स्टूडेंट नहीं हो, तुसी साडे विद्यार्थी ही नहीं, तुसी साडे हुण अंबैसडर हो। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ, ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਏ ਲੈਸਨ, ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਲਾਸ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਲੈਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ।
हाँ, बहुत अच्छा सवाल है लिटरेचर बारे। देखो, लिटरेचर पढ़ाउण दा देखो दो तीन इहदे पर्पस ने। एक तां है लैंग्वेज दे पॉइंट ऑफ व्यू तों, है दूसरा ग्रामर दे पॉइंट ऑफ व्यू तों, तीसरा है लिटरेचर दे विच इंट्रस्ट क्रिएट करना। कोई नावल है, कोई पोएम है, जिहड़ी उह जिहड़ा लैसन है कंसर्नड, जिवें किसे नावलिस्ट बारे है, तां बहुत जरूरी है कि लिखिआ कि नहीं है। राइटर बारे, राइटर बारे नॉलेज देनी, दसना बेशक उहदी पिक्चर, वो कितों का है, वो बैकग्राउंड, वोदिया होर की लिखा उन्हें, वो जरूरी है। तुम इतने बैकग्राउंड बनाने वास्ते तुम 2 मिनट 3 मिनट उस जरूर लाओ, फिर उस तो बाद जो अपना लैसन है जरा वो लिटरेचर का शुरू करो। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत अच्छा तो दस्या कि वो जो पहला बैकग्राउंड जा जिमें पंजाबी वाले कहते हैं कि पहला भूमिका बन ली जाए फिर बच्चों का इंट्रस्ट बन जाता तो वेल बिगन इज हाफ डन। मेरा ख्याल शबाना यू गॉट द आंसर। और बाकी स्टूडेंट्स भी मैं गुजारिश करता कि बेशक अपनी चाहे तुसी वीडियो ऑन करके तुसी पूछ सकते हो। एक मिनट मैं देखना कि तुसी हाँ जी सिक्योरिटी सी के यू कैन नॉट अनम्यूट, मैं उन्होंने रिमूव करता। तुसी बेटा कोई भी अपना ऑन करके माइक क्वेश्चन पूछ सकते हो, वीडियो ऑन करके भी पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा, जसबीर कौर, राधा, कुलवीर सिंह, हरप्रीत सिंह, आशिमा, जसलीन कौर, जस किरण, करमजीत कौर, नगमा, कमलजीत कौर, गुरप्रीत कौर, सुल्ताना, सुखदीप, गुरप्रीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, मनजिंदर कौर, बिंदेश्वरी, ज्योति, प्रदीप, नेहा मनहास। हाँ जी बेटा, कोई भी, हाँ जी, होर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। हाँ टोटल 53 पार्टिसिपेंट्स ने इस टाइम पे। जी जी, बिल्कुल बेटा, जे थानू बोल के थोड़ा लग रहा है तो तुम चैट बॉक्स के लिख भी सकते हो। सर ने बहुत अच्छे तरीके ने एक्सप्लेन किया, फिर भी कई बार कोई इदा की सिचुएशन तुहाडे माइंड च आ जाती है कि भी जे इस तरह की सिचुएशन होवे तो की करिए, तां वो तुसीं पुछ सकते हो बेटा। एनी हाउ मेरा ख्याल नहीं किसी विद्यार्थी के माइंड च होएगा क्वेश्चन, अदरवाइज जदों साडियां मैं दसना चाहुंदा सर, जदों साडियां क्लासेस होंदियां बेशक असीं ऑनलाइन ही क्लासेस लैंदे हां, तां 5-4 स्टूडेंट ऐसे ने जो रेगुलरली डिस्कशन करते रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी डिस्कशन करते, पर कुछ इदां फील नहीं हुंदा कि जिदा सिर्फ ऑनलाइन आ तां मतलब 1-to-1 नहीं हैगा, लेकिन हुण जां तां समझ ही अच्छे तरीके नाल लग गई मेरे ख्याल विद्यार्थियों। एनी हाउ जे फिर भी कोई क्वेश्चन बच्चों का आता तो मैं थोड़े तो जरूर सर वो डिस्कस कर लांगे तो आप हाँ जी, हाँ जी, मोस्ट वेलकम। हैगा। हाँ, जी कदे जी भी, जी जी ठीक है। थैंक यू सर, तुसी बहुत अच्छे तरीके दे नाल विद्यार्थियों टिप्स जिहड़े ने वो दित्ते कि एक क्लासरूम दे विच रियल क्लास के किदा तुसी पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना, किदा का तुसी बिहेवियर रखना, क्लासरूम टीचिंग दे विच केड़ियां केड़ियां टिप्स बड़े अच्छे तरीके नाल दसियां कि की रखना। जिहड़ी मेन गल तुसी दसी कि मेन पॉइंट्स नू फोकस करना, जे अगर कोई लेंथी चैप्टर हैगा तां इह नहीं सोचना कि 40 मिनट दे विच उह सारे का सारा चैप्टर ही असीं कंप्लीट करवा देंगे, कुछ पार्ट जिहड़ा वह बच्चे खुद भी कर सकते हैं और करनगे उन्हां नू जिम्मेवारी दिती जानी चाहीदी आ। कंपैरिजन की गल तुसी बहुत अच्छी दसी कि ज़्यादातर क्लासां दे विच इही हुंदा कि पेरेंट जिहड़े पहली गल तक टीचर्स ही कंपेयर करन लग जाते हैं कि फलाना बच्चा अच्छा कर रहा फलाना माड़ा कर रहा, तो प्यारे विद्यार्थियों तुसी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि कंपैरिजन नहीं करना, इंडिविजुअल डिफरेंसिस हुंदा वो विद्यार्थियों दे विच हुंदा, और कुछ अच्छे होणगे कुछ बहुत अच्छे होणगे, कुछ नूं तुहानूं वाकई एफर्ट्स करने पैणगे नाल लैके चलणगे।
और दूजी गल जिहड़ी सर ने बहुत अच्छी डिस्कस की कि एक्सट्रा नॉलेज जो जो ज्ञान किताबों के पिया वो तो फिर भी देख सकते हैं, उस तो बिना तुसी उन्होंने कुछ ऐसा दसना भी बच्चे याद रखन के फलाने टीचर ने सानू आ चीज दसी सी। एक जो रिस्पोंसिबल होने की सर ने गल की वो बड़ी अच्छी लगी कि तुहाडे सिर ते जिम्मेवारी आ गई आ, विद्यार्थियों का तुसी सिलेबस भी कवर करवाना, पेरेंट्स नाल भी इंटरैक्ट करना, विद्यार्थियों अगे लैके जाना, विद्यार्थियों कोई प्रॉब्लम आ रही है वो बारे गलबात करनी है, तो यू आर द एम्बेसडर्स, तुसी नॉलेज नू वधाउणा, ज्ञान नू वंडना। तो सर एक बार फिर अलुमनी एसोसीएशन जी एच जी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरसर सुधार वालों और जी एच जी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की समुची मैनेजमेंट वालों, प्रिंसीपल वालों, स्टाफ वालों, तो प्यारे विद्यार्थियों वालों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं इन्ना अपना टाइम कढ़िया ते जिहड़ा जिंदगी का तजर्बा तुसीं साडे नाल शेयर किया, उहदे लई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।